हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रीसियस गेमर। तो भाई लोग कैसे हो? भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम डेली पबजी लाइट का वीडियो लाते रहते हैं, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपको नोटिफिकेशन ईजिली आ जाए। तो आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप पबजी लाइट का ग्राफिक्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपका जो पबजी लाइट का ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का है, तो आप इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत कम MB में प्रोवाइड कर दिया गया है Tencent की ओर से, तो इसका ग्राफिक्स थोड़ा लो क्वालिटी का कर दिया गया है आपके मोबाइल में अच्छा से चले इसके वजह से। तो आप इसे इजीली मतलब कि कर सकते हैं बहुत हाई ग्राफिक्स में कन्वर्ट बिना लैग किए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, आपको सब फॉलो करना है। तो भाई लोग, हम अपना मेन मेनू में आ गए हैं और आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर खोलना पड़ेगा और एक ऐप डाउनलोड कर लेना पड़ेगा जो कि कम MB का है और बहुत ही यूजफुल है पबजी लाइट का ग्राफिक्स फिक्स करने में। तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा GFX फॉर पबजी, ठीक है। तो आपको जो सेकंड नंबर में दिख रहा होगा ये फ्लैश डॉग बेस्ट है, बेस्ट GPS टूल फॉर पबजी। तो ये पबजी लाइट में भी वर्क करता है और पबजी में भी, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, आप डाउनलोड करते समय देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे अपडेट्स भी आते हैं, तो आप उसे अपडेट कर दीजिएगा ताकि आपका गेम में कोई प्रॉब्लम ना आ सके और ये बिना लैग किए बिना अच्छा से मतलब कि एकदम अच्छा से चलता है, वर्क करता है। तो इसे आप सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो ये ओपन हो गया है, तो आपको सबसे पहले कुछ करना नहीं है, बस सबसे पहले आपको GFX टूल में सेलेक्ट करना है और यहाँ देख सकते हैं आपका इस सेटिंग को कस्टम ही रहने दीजिएगा और फिर रिसोल्यूशन को देख सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है रिसोल्यूशन, तो आप इसे मैंने पहले सेट करके रखा था तो इतना ही रहने दीजिएगा। आप देख सकते हैं 1600x900, तो आपको वही रखना है रिसोल्यूशन में। और मतलब कि ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफिक्स का ऑप्शन है, तो इसको आप HDR कर दीजिएगा, ठीक है। तो और FPS में आपको 60 FPS का रखना है, क्योंकि मैंने पहले से सेट किया है तो मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ। 60 FPS देख लीजिए, आपको अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा। तो 60 FPS, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइल, तो स्टाइल में आपका जैसा क्वालिटी का आपको चाहिए मतलब कि उसमें ग्राफिक्स, तो मूवी सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें पहले से सेलेक्ट नहीं रहेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मूवी सेलेक्ट कर दीजिएगा। और लाइट इफेक्ट उसको हाई कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शेडो को भी ऑन कर दीजिए और GPU को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा पहले से ऑन है, मैंने पहले से कर रखा है, ठीक है। तो उसके बाद सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन एक आपको दिख रहा होगा लॉन्च पबजी, ठीक है। तो इसे लॉन्च कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इजीली वर्क करेगा और ये डायरेक्ट आपका पबजी मोबाइल को ओपन कर देगा, पबजी मोबाइल लाइट। तो मेरा लाइट ये आप देख सकते हैं, तो ये अभी ओपन हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक देख लेंगे कि ग्राफिक्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। दोस्तों आप लोग इजीली देख सकते हैं, मैं मैच खेल के भी दिखा दूंगा और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कैसा लगा और बताइएगा कि ये पबजी लाइट के तुलना में किस तरह है। और फ्री फायर का भी ग्राफिक्स से इसका कंपेरिजन करके दिखाएंगे और बताएंगे कि दोनों में से किसका GFX यूज करने के बाद किसका ग्राफिक्स हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो अभी तो ये ओपन होने में थोड़ा लेट लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये इजीली वर्क करता है, बहुत अच्छा से वर्क करता है। आप लोग यूज करिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो इतना चलता है। तो ओपन हो गया है और थोड़ा सा ये प्रोसेस होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसका भी टाइम थोड़ा कम कर दिएगा सुपरसेल मतलब कि Tencent, सॉरी सुपरसेल बोल दिया मैंने, Tencent। तो ये ओपन हो चुका है और देख सकते हैं इसमें ग्राफिक्स में यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, पर आपको मैच स्टार्ट होने के बाद, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ और आपको ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, पूरा ज़्यादा रियलिस्टिक। तो ये एक बार ओपन हो जाए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसा है इसका ग्राफिक्स GFX। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा है,
और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स हो गया है। आपको वीडियो में उतना नहीं पता चलेगा, आप यूज करके देखिए उसके बाद पता चलेगा आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक हाई क्वालिटी का हो जाता है गाइस, आप लोग मानिए और यूज करके देखिएगा, ठीक है। ये मैं ये यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को मिला है। तो अभी तो काउंटडाउन ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगा जब मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो मैच स्टार्ट हो चुका है और एरोप्लेन भी आ गया है, तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हमें कहाँ लैंड करना है। तो हम अपना मैप में सेलेक्ट कर लिए हैं कहाँ हमें लैंड करना है, और ये अभी तो एरोप्लेन चल ही रहा है तो वहाँ तक जाता है, तब तक हम देखते हैं। अभी थोड़ा सामने जाएगा तो हम लैंड कर जाएंगे, मतलब कि जंप, तो हम जंप कर दिए हैं और हम वहाँ तक इजीली पहुँच जाएंगे। आप देखिएगा इसका ग्राफिक्स कितना हाई क्वालिटी का हो गया है। GFX टूल से ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मतलब कि बिना बैन किए ही ये बहुत ही हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, और ग्राफिक्स में आपको चेंजेस लग रहा होगा, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा चेंजेस। तो हम पहले वेपन कलेक्ट कर लेते हैं अच्छा से अच्छा, ठीक है। वेपन और एमओ हो गया यहाँ से, तो बहुत सारे प्रो प्लेयर भी आ गए हैं इसमें, स्टार्टिंग में उतना नहीं थे पर अब हो चुके हैं बहुत सारे प्रो प्लेयर। तो देखते हैं हम कितना रैंक में आते हैं और कितना किल हमारा जाता है हाईएस्ट। तो उधर तो एक बंदा दिखा पर वो भाग गया, तो देखते हैं हम पेन किलर ले लेते हैं उसके बाद, इतना ठीक है। तो ऊपर हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं है, तो हम जंप नहीं करेंगे, इससे लाइफ बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। और मेरे साथ इस तरह बहुत बार हुआ है जंप करने की वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और कोई आके मार देता है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। और देखते हैं कि तो हम अपना मैप के हिसाब से चलते हैं, सेफ जोन के अंदर जाना पड़ेगा हमें। तो इधर कोई बंदा दिखा है, तो देखते हैं हम, अगर कोई मिलता है तो कोशिश करेंगे कि किल ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और अब अगर आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है और खेलना है हमारे साथ, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है प्लेयर टैग, आप वहाँ से भेज सकते हैं। तो इसका इलाइट पास भी आ गया है, मैंने जो पिछला वीडियो में बताया था कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर मैं इसका गिव अवे भी करूँगा, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका गिव अवे ज़रूर करूँगा। तो अभी हम तो सेफ जोन के अंदर पहले जा रहे हैं, और अभी 56 मेंबर अभी भी अलाइव हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा रैंक कितना में आता है किल किए। तो उधर तो एक ड्रॉप उतर रहा है, और इधर एक लेवल 1 का बैकपैक था तो हम ले लिए, हमारे पास एक भी नहीं था इसके वजह से। इधर कोई नहीं है, इधर एक बंदा हमें मिला है तो हम इसे इजीली मार देंगे, और शायद इसके पास कुछ नहीं है, ये शायद इसके पास कुछ नहीं, इसके पास तो कुछ नहीं था। जाते हैं कार को लेके, और फ्री फायर में कार से किल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, पर इसमें मेरे से उतना अच्छा से नहीं होता किल, धीरे धीरे हो जाएगा पर अभी तो फिलहाल में नहीं हो रहा है। और देखते हैं कि आगे कौन सा रैंक में आता है हमारा, एक किल हुआ है अभी तक बस। तो अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है सामने, और टूल को यूज करके बताइएगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
आगे और भी वीडियो आएंगे ट्रिक्स पर, तो अभी PUBG Lite का ट्रिक्स ज़्यादा नहीं है और तो उसका उसकी वजह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो सीट को मार रहा है हमें, दिख तो नहीं रहा, पीछे से मार रहा था। तो पता तो नहीं चल रहा कहाँ से मार रहा है, दिख गया। तो दिख गया, 2 किल हो गया हमारा, 3 किल एक साथ ही 2 किल। तो देखते हैं कि क्या क्या है इसके पास हमारी यूजफुल का। तो मैंने ले लिया है और एक बंदे को और मैंने मारा था, तो यहाँ से भी मैं यूजफुल की चीज़ें ले लिया है। तो अब कोई ख़ास नहीं है, एक शॉटगन है तो उसे भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि शॉटगन से इजीली बंदे मर जाते हैं एक या दो शॉट्स में। तो अभी तो फिलहाल मैं सेफ जोन के अंदर ही हैं हम, और कार मेरा पीछे ही रह गया तो हम उसे ही ले लेते हैं। और 3 किल हमारा हो चुका है, हम 3 किल कर दिया है, 40 मेंबर सभी भी अलाइव है, 39, एक को किसी ने मार दिया। तो हमारा उधर है शायद वाटर में कोई है, देखते हैं सामने जाके। तो फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से बैक करके हमें निकालना पड़ेगा कार को अपना। तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा गाइस, देख सकते हैं आप सेफ जोन पीछे बैक में है 2 कोई। इधर मैप में शो कर रहा था, इधर ही है एक कोई, तो दिख तो नहीं रहा, नीचे उतर के देख लेते हैं एक बार। तो इधर तो कोई नहीं दिख रहा है, शायद लूट करने चल गए हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से, और इधर किधर कहीं ड्रॉप गिरा था, तो ड्रॉप तो अभी तो दिख नहीं रहा उसका धुआं। तो अभी तो कोई नहीं मिल रहा फिलहाल में, 30 मेंबर अभी भी अलाइव हैं, और देखते हैं कि क्या हम चिकन डिनर ले पाते हैं या नहीं। अभी तो कोई नहीं दिख रहा गाइस, इधर एक मेंबर है, हाँ दिखा है इधर, 4 किल इजली। तो यहाँ से हम बैकपैक ले लेते हैं और पेन किलर ये सभी। तो इधर तो और कोई यूजफुल का चीज़ हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम चलते हैं। इधर बंदे हैं, शो तो कर रहा है, दिख गया। और सीट ये रिलोडिंग, 5 किल इजली। तो ये यहाँ मारा था, और हेलमेट मैक्स लेवल का है तो ये यूजफुल आ गया हमारा। तो इधर एक ड्रॉप गिरा हुआ है, और हम अपना कार लेके निकल लेते हैं, क्योंकि कार से एक से दूसरी जगह पर जाने में बहुत ही ज़्यादा इजीली होता है, इसीलिए कार को हम साथ में लेके चलते हैं। तो अभी तो 15 मेंबर अभी भी अलाइव हैं, और इधर कुछ बंदे दिख रहे हैं हमें, थोड़ा दूर में हैं।
तो हम उधर ही जाते हैं उसी के साइड। तो थोड़ा झुक झुक कर जाना पड़ा है क्योंकि कोई हेडशॉट ना मार दे डायनेमो जैसा। तो एमओ बर्बाद हो रहा है सिर्फ। तो इधर तो इधर ही दो बंदे दिख रहे हैं मुझे आसपास मंडराते हुए। तो 6 किल इजली। इधर एक और बंदा था शायद। तो एनर्जी ड्रिंक, पेन किलर, तो इतना यूजफुल का चीज़ें हम ले लिए हैं। और थोड़ा पेन किलर को यूज कर लेते हैं ताकि लाइफ हमारा कम ना हो। उधर एक बंदा और दिख रहा है मुझे। तो फिर बैंडेज को भी एक यूज कर लेते हैं। 75% में यूज होगा अभी नहीं। तो 6 मेंबर को किल किया है मैंने और 10 अभी भी अलाइव हैं। तो ग्राफिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बंदे को मारना। तो ग्राफिक्स थोड़ा आप भी हाई कर लीजिए, मैंने ट्रिक्स बता दिया है इस वीडियो में। तो यहाँ वो सिर्फ हेडशॉट मार दिया मुझे। तो 6 किल गाइज, 6 किल और रैंक 9 में आया। तो थोड़ा अच्छा से खेला रहा था तो #1 भी कर सकता था चिकन डिनर के साथ। और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा।